स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत है। नीट 2022 का जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक खास और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा और फैक्ट के साथ भी करूंगा फ्रेंड्स। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे अपना चैनल समझ कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि सही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए से मिलता रहे। मैं बात कर रहा हूं नीट एग्जामिनेशन को लेकर कि नीट का एग्जाम आखिर कब होगा। जब ये नोटिफिकेशन अभी तक तो आई नहीं है एनटीए के वेबसाइट पर, अगर वेबसाइट को आप खंगालेंगे तो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई वेबसाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके पीछे भी रीजन है कि आपके एग्जाम कब होगा, वो मैं दो फैक्ट बताऊंगा, जेन्युइन फैक्ट है और आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी खंगाल लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है नीट का एग्जाम के बारे में जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया जा रहा था कि आपका 17 जुलाई को एग्जाम होगा, तो ये नोट कर लीजिए 17 जुलाई को एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके पीछे क्या रीजन है ये भी आप पहले आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट यह है कि अभी जो है CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है 2022 का, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म 2 तारीख को रिलीज किया गया था, लेकिन फिर उसको क्या किया गया 6 तारीख से अप्लाई करने के लिए, यानी 6 अप्रैल से अभी CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा उसके लिए बच्चों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। उसका डेट मेंशन है, नोट कीजिएगा, उसका डेट मेंशन है 1st week of July और 2nd week of July। अब ये बताइए, 2nd और 1st तो खत्म हो गया, जुलाई में एग्जाम होने का नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, लेकिन 1st और 2nd week of July दोनों लिखा हुआ है, ये एक बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अभी वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग बाकी है जिसका लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल तक है, जी हाँ इस महीने 15 अप्रैल को है। तो अब बताइए ये भी डेट, इस दो बातें हो गई। अब यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि आपका नीट का जो फॉर्म अप्लाई एप्लीकेशन जो आएगा, अभी आप देखें, मैं देख रहा था मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को, तो आप नया डेट आ रहा है कि इस वीक आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि 15 तारीख यानी 15 अप्रैल से पहले आपको नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। एक बात तो क्लियर है कि 15 के अंदर तक, 15 की बाउंड्री नहीं क्रॉस होगा, ठीक है, 15 के अंदर। और एग्जामिनेशन, जहां तक सवाल है कि एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये भी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, कोई मैं एनटीए का नहीं हूं, लेकिन ऑन एक्सपीरियंस में अपना है, इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं और सारे फैक्ट को देखने के बाद 31 जुलाई या तो 7 अगस्त को एग्जामिनेशन होगा। स्टूडेंट्स ये डेट लग रहा है कि इस डेट में एग्जामिनेशन होने के चांसेस बेहद ज्यादा है, कंफर्म मोहर नहीं, वो तो एनटीए को पता है, वो डिसाइड करेगी कब एग्जाम लेंगे, लेकिन 31 और 7 अगस्त को होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप स्टूडेंट जरूर बताएं कि क्या आपको हमारी इस बातों को में क्या फैक्ट नजर आता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आखिर एग्जामिनेशन जो है क्या 31 या 7 अगस्त को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब योर चैनल। जय हिंद, जय भारत।